मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त हाईवे 44 पर डिस्पली में ठहरा हुआ हूँ और जिस जगह मैं ठहरा हुआ हूँ मेरे दोनों अतराफ हरित हरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधे हैं। यहाँ पर हाल ही में पौधे लगाए गए और उनके तहफ़ के लिए उनके अतराफ जो सो ट्री गार्ड्स लगाए गए हैं और ट्री गार्ड्स के साथ एक लकड़ी बांधी गई है और लकड़ी के सहारे इन जो सो पौधों को बांधा गया है ताकि पौधे सीधे बड़े हों और जो सो मुस्तकबिल में एक तनावर सीधा दरख्त बने। तो ये अच्छी कोशिश है। मैं यहाँ पर इस बात की जो सो कोशिश करूँगा कि इस प्रोग्राम की अहमियत क्या है, इसकी खसूसियत क्या है, क्यों रियासती हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए का ख़र्चा करते हुए ये पौधे लगाए जा रहे हैं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालना बहुत ज़रूरी है। हरित हरम प्रोग्राम का आगाज़ कुछ साल कबल रियासती TRS हुकूमत ने किया था। रियासती वज़ीर आला KCR चाहते थे कि जो सो इस रियासत तेलंगाना में जो सो बहुत बड़ी तादाद में जो सो दरख्त लगाए जाएँ ताकि जो सो फिजाई आलूगी को ख़त्म किया जा सके। मोहतरम नाज़रीन, दौरे हाज़िर एक बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है। आबादियों में बहुत तेज़ रफ्तार इजाफा होता जा रहा है और जो सो आबादियाँ जो सो फैलती जा रही हैं, शहर बड़े बड़े वजूद में आ रहे हैं और जैसे जैसे शहरों की वसत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जंगल सुकड़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे जंगल सुकड़ते जा रहे हैं और लाजमी बात है कि वहाँ तो जंगल में दरख्त कटेंगे और दरख्त कटेंगे तो दरख्तों की तादाद कम होगी और दरख्तों की तादाद कम होगी तो फिजाई आलूदगी में इजाफा होगा क्योंकि ये दरख्त एक फ़िल्टर का काम करते हैं। इनका काम ये होता है कि फिज़ा में फैली हुई आलूदगी को ख़त्म करें और जो सो उसके बदले में ताज़ा सेहत बख्श फिज़ा जो सो माहौल को फराहम करें और जो सो जिसमें हम जिंदा रह सकते हैं। यानी कि आपको ये कहूँ तो ख़तई भेजाना होगा कि इंसान की ज़रूरत के लिए जो सो इंसान की ज़िंदगी के लिए दरख्तों की बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि ये दरख्त ऑक्सीजन फराहम करते हैं और ऑक्सीजन इंसानी ज़िंदगी के लिए लाजिम है। जैसा कि कुछ अर्से पहले करोना की वबा फैली थी और वहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला दरपेश हुआ था ऑक्सीजन की कमी, बहुत से लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से परेशान हुए और जो सो उनको बहुत ही जो सो मसाइब मुश्किलात का ऑक्सीजन के लिए सामना करना पड़ा था जबकि हमारे ये दरख्त हमें मुफ्त में ऑक्सीजन फराहम करते हैं। ये ऑक्सीजन की जो कमी का जो मामला हमें दरपेश हुआ था इसकी वजह यह है कि फिज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, माहौल में तेजाबियत है, ये जो धुआं दो गाड़ियों से उड़ता है ये धुआं देखिए डीजल पेट्रोल और ग्रीस पर मुश्तमिल होता है। ये धुआं जो है सो जब फिज़ा में जो है सो धूल के साथ आलूदा होता है एक तेज़ाबी माहौल फराहम करता है और जिस तेज़ाबी माहौल की वजह से जो है सो फिज़ा की जो ऑक्सीजन होती है आहिस्ता आहिस्ता सिमटने लगती है और हमें ऑक्सीजन की किल्लत का मसला दरपेश होता है जिसके हमारी सेहत पर बहुत ही मुज़िर असरात मुरतब होते हैं। तो लिहाजा कुछ हुकूमतों ने इस बात की कोशिश की थी कि जो सो इस मसले को ख़त्म करने के लिए पौधे लगाए जाएँ, जैसा कि हमारे पास साउथ इंडिया में बिलखसूस जो है सो कर्नाटक में बेंगलुरु सिटी के अंदर जो है सो बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए थे और उसको गार्डन सिटी कहा जाता था और वहाँ के माहौल को और वहाँ की फ़िज़ा को जो सेहत बख्श फिज़ा जो सो कहा जाता था जो इंसानों के लिए इंतहाई मुफीद होती है। तो हमारे रियासती वज़ीर आला ने इस बात की कोशिश की कि जो सो हमारे रियासत तेलंगाना में भी बड़ी तादाद में पौधे लगाए जाएं और इस जो सो रियासत तेलंगाना को ही गार्डन रियासत में जो सो तब्दील किया जाए, उनकी कोशिश मुसलसिल कई सालों से जारी है और उसके अच्छे असरात हमें सामने आते नज़र आ रहे हैं। आप गौर कर रहे होंगे गुज़िश्ता 2-3 साल से हमें वाफर मकदार में बारिश दस्तियाब हो रही है और ये बारिश इन्हीं दरख्तों की मरहूने मिन्नत है। अब कई बार रियासत हुकूमत ने जैसा कि जो सो ये कौमी शाहरा है उसी तरह रियासत शाहरा हूँ और जो सो जो और जो हमारे शहरों को जोड़ने वाली छोटी छोटी जो सो सड़कें हैं उनके अतराफ़ में जो सो पौधे लगाने का काम शुरू किया है। जैसा कि जो सो ये कौमी शाहरा 44 है और यहाँ पर जो सो एक लेन में 3 पौधे लगाए गए हैं, करीब जो सो सड़क के किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक जो सो एक
50 फीट की करीब जगह ली गई है और उसके अंदर जो है सो कहीं जो सो 3 कतार में, कहीं जो सो 4 कतार में पौधे लगाए गए हैं, कहीं 5 कतार में पौधे लगाए गए हैं और ये आइंदा चंद सालों में तनाव और दर्द बनेंगे, एक जंगल का सा माहौल फराहम करेंगे जो माहौल की तेजाबियत को, माहौल की आलूदगी को जज्ब करेंगे और हमें सेहत बख्श जो सो फिज़ा फराहम करेंगे। ये जो सो इन दरख्तों की जिम्मेदारी है, इनकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर हमारी हुकूमत जो सो यही चाहती है कि जो सो इस फिज़ाई आलूदगी का खात्मा किया जा सके और जो सो आवाम को जो सो सेहत बख्श फिज़ा फराहम की जा सके, जिसके लिए हुकूमत जो है सो लाखों रुपए का जो सो फंड खर्च कर रही है और जो सो पौधे लगा रही है। अब यहाँ पर ये जो शाहराएँ हैं जिनके अतराफ में जो सो जो मौजेजात हैं, उस गांव की हदूद में जितनी सड़क होती है उस सड़क पर लगे हुए पौधों की जो सो जिम्मेदारी उस गांव की जो सो ग्राम पंचायत को सौंपी गई है और इस ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है कि इन पौधों की तहफ़ और निगहदाश्त पर खसूसी तवज्जो दे और इन पौधों की जो सो सहरा भी करें। तो इन पौधों को, यानी कि 400 पौधे हैं तो 400 पौधों पर एक शख्स को मुतय्यन किया गया है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो पौधों का तहफ़ करे और उनकी निगहदाश्त करे और उनकी जो सो सहराबी का जो सो इंतज़ाम करे। ये जो सो शख्स की ड्यूटी होती है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसको लेकर रियासती हुकूमत चल रही है, जिसके असरात हमें आइंदा चंद सालों में नज़र आएंगे और जो सो हमें जो सो रियासत में एक जो सो बेहतरीन फ़िज़ा दस्तियाब होगी जो सेहत बख्श होगी। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो सो ये फ़िज़ा तैयार होने के बाद हमारे पास जो इमराज जो फैलते जा रहे हैं उसमें जो सो बड़ी हद तक कमी होगी, वबाई इमराज में भी कमी होगी और जो सो जो लोग मुसलसिल बीमार रहते हैं उनको भी जो सो शायद मिलनी शुरू होगी। ये बहुत अच्छी कोशिश है जिसकी सताइश करना और जिसकी तखलीद करना दोनों ही ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से जो सो ये दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को मज़ीद कामयाब बनाने के लिए और उसको बहुत अच्छे पैमाने तक जो सो पहुँचाने के लिए आपसे मेरी एक गुजारिश है, मेरी एक दरख्वास्त है कि आप अपने घरों के अतराफ भी इन पौधों को लगाने की कोशिश करें। आपके घर के दोनों अतराफ, दरवाजे के दाएं सिमत और बाएं सिमत एक एक पौधा ज़रूर लगाएं। आपको पौधा हासिल करने के लिए अपने करीबी जो सो बल्दी मरकज़ को पहुंचना है, जैसा कि जो सो जोन ऑफिस होते हैं, जोन ऑफिसों से आपको पौधे दस्तियाब होते हैं। अगर नहीं भी होते हैं तो वह पौधे बहुत ही सस्ते हैं, ख़रीदे भी जा सकते हैं, ख़रीद के भी लगाए जा सकते हैं। तो अपने पसंद के हिसाब से या फिर जो सो हुकूमत के जो फराहम किए जाने वाले पौधे अपने घर के अतराफ ज़रूर लगाएँ ताकि जो सो आपके घर को भी एक जो सो पुरफिज़ा माहौल दस्तियाब हो और आपके घर में जो है सो ये यूँ कहा जाए कि शायद बख्श से माहौल हासिल हो। तो कोशिश इस बात की करनी होगी कि हमारे मोहल्ले भी, हमारी आबादियां भी किसी जो सो खूबसूरत बाग की मानिंद बन जाए और हमें जो सो पुरफिज़ा माहौल जो सो दस्तियाब हो। इसके लिए जो सो पौधे लगाने लाजमी है। हुकूमत की इस स्कीम को कामयाबी तक पहुंचाना हमारी भी जिम्मेदारी है और ये हमारे लिए बेहतर है और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बेहतर है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पौधे ज़रूर लगाएं, इस प्रोग्राम को बहुत हद तक कामयाब बनाने की कोशिश करें। ये अल्फाज कहते हुए मैं आपसे रुख्सत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।